हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचलपन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने जून 2020 टर्म एग्जामिनेशन के लिए रिजल्ट का आज थर्ड अपडेट पब्लिश कर दिया है। सो जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट सेकंड अपडेट तक डिक्लेयर नहीं किया गया था और उन्होंने अपना एग्जाम दे दिया है तो वो लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखो आप लोग का रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। इस वीडियो में मैं आप लोग को लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट थर्ड अपडेट में डिक्लेयर किया गया, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो मैं आप लोग को एक एक करके बता दूंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट का रिजल्ट आज के अपडेट में डिक्लेयर किया गया। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और रिजल्ट के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उसे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि जो रिजल्ट का अपडेट 5 अक्टूबर तक शो कर रहा था वो अभी 6 अक्टूबर तक शो कर रहा है, यानी कि एक दिन का रिजल्ट अपडेट किया गया है। तो आप लोग भी रिजल्ट चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसका भी जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जहां तक मैं ग्रेड कार्ड का बात करूं तो ग्रेड कार्ड अभी अपडेट नहीं किया गया, ग्रेड कार्ड अभी अपडेट 1 अक्टूबर तक ही शो कर रहा है लेकिन फ्राइडे तक अपडेट हो जाएगा। आज जिसका भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा उनका मार्क्स अभी ग्रेड कार्ड में एड नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट आज के थर्ड अपडेट में डिक्लेयर किया गया है, एक एक करके आप लोग देख लेना। मैंने जैसे जैसे रिजल्ट चेक किया है उसी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया है तो इसमें मिक्सअप हो जाएगा बैचलर मास्टर डिग्री का। एक बात मैंने देखा कि आज के जो अपडेट में बहुत से बैचलर डिग्री का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जो कि प्रीवियस अपडेट में मैं देख रहा था ज्यादातर मास्टर डिग्री के स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अभी बैचलर डिग्री के भी काफी सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। उसमें AM01 का अपडेट हुआ है, MK01 का अपडेट हुआ है, MHI02 का अपडेट हुआ है, CT4, CT5 का अपडेट हुआ है, MPSC 001 का कल भी अपडेट हुआ था। मैंने कल आप लोग को वीडियो में बताया था 5 अक्टूबर का एक स्टूडेंट का डिक्लेयर किया गया था और फिर आज भी अपडेट किया गया है। MSD07 का भी सेम कंडीशन है कि कल के भी अपडेट में एक स्टूडेंट का डिक्लेयर किया गया है और आज के भी अपडेट में डिक्लेयर किया गया, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि एक पेपर एक ही दिन में सभी का अपडेट हो जा रहा है, अलग अलग डेट पे भी डिक्लेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका आज अगर कोई भी पेपर यहाँ पे शो कर रहा हूं और उसका रिजल्ट मैं बोल रहा हूं कि डिक्लेयर कर दिया गया है और आपका डिक्लेयर नहीं किया गया तो आप टेंशन मत लेना, नेक्स्ट अपडेट में आपका डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से देख लो MPA001 के अपडेट हुए हैं, MPC032 के अपडेट हुए हैं, ESD4 ESD7 के अपडेट हुए हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। इवन एक पेपर का मैंने देखा कि वो 30 सितंबर को एग्जाम हुआ था, कंडक्ट किया गया था और 5 दिन बाद ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो बहुत आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि इग्नू में ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि इतना जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि यही स्टूडेंट को चाहिए भी होता है कि रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि वो जो अनसर्टेनिटी में जीना ना वो बहुत मुश्किल होता है। अगर मान लो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आप पास हो फेल हो, अगर आपको पता चल जाता है तब ठीक है, वही जो लटका रहता है ना रिजल्ट, दो तीन तीन महीना पांच पांच महीना तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, वो सबसे बुरा चीज है। जो अभी के जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा होगा कि एग्जाम दिए और उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। एक और बात मुझे बताना है, मैं अभी सारा लिस्ट बता देता हूं उसके बाद से मैं बताता हूं, उसको सुन लीजिएगा आप लोग। उसके बाद से देखो MED008 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, BSWE001 के अपडेट हुए हैं, ANC1 और ACC1 बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, ये आज रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है बहुत से स्टूडेंट का। BG104 EPS09 के अपडेट हुए हैं और मैथमेटिक्स के सिर्फ एक अपडेट हुआ है MT07 का। उसके बाद से MEG01 के अपडेट हुए हैं और केमिस्ट्री के CHE1 CHE2 CHE4 के अपडेट हुए हैं, MHA के 06 और उसके बाद से HE01 ये 17 सितंबर को हुआ था, ये पहला अपडेट में भी हुआ था यानी कि 30 सितंबर को भी अपडेट हुआ था HE01, फिर 5 अक्टूबर के भी अपडेट में ये डिक्लेयर हुआ था और आज भी कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और ACS01 भी आज अपडेट हुआ है। तो ये सभी अपडेट मुझे देखने को मिले हैं, इसके अलावा भी अगर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, एक और बात मैं जो बताने वाला था वो मैं बता दे रहा हूँ कि CT4 और CT5 का एक स्टूडेंट ने मुझे बस एग्जाम जब उनका होने वाला था CT4 और CT5 का तो उन्होंने कुछ एग्जाम से कुछ दिनों पहले मुझे कॉल किया था कि वो रिलक्टेंट थी कि एग्जाम वो चाहती थी कि नहीं देने के लिए, दिसंबर में देना चाहती थी। मैंने उनको जस्ट यही रिकमेंड किया कि आप एग्जाम दे दो, किसी भी तरीके से कोशिश करो, अगर आप जा पा रहे होगे तो एग्जाम दे दो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आ रहे हैं और रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। तो अगर रिजल्ट में अगर आप पास नहीं हुए तो फिर आप दिसंबर में दे देना, लेकिन चले जाओ, हो सके तो अगर पास हो जाओगे तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और देखो वो रिलक्टेंट थी एग्जाम देने के लिए और इत्तेफाक से उन्होंने एग्जाम भी दे दिया, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया और वो ग्रेजुएट भी हो गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं जितने भी स्टूडेंट जो थोड़ा सा रिलक्टेंट फील कर रहे हैं कि पता नहीं मुझे एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अगर आपका बहुत अच्छा से भी प्रिपरेशन नहीं है तो फिर भी मैं बोलूंगा कि आप अगर जा सकते हो एग्जाम देने तो चले जाओ, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि जितने भी पेपर का रिजल्ट मैं अभी आपको शो कर रहा हूं इसमें से जितना भी पेपर का रिजल्ट आज मैंने चेक किया है उस और यहाँ पे जो मैं रिजल्ट मैंने शो किया उसमें से कोई भी फेल नहीं हुआ था, मतलब
पासिंग मार्क्स तो जरूर दिया गया था। बहुत से स्टूडेंट का फेल हो भी सकता है, लेकिन मैंने जो जिनका भी रिजल्ट चेक किया और ये जितने भी पेपर का मैंने अभी लिस्ट आप लोगों को दिखाया, उसमें से कोई भी स्टूडेंट मतलब फेल नहीं हुआ था, तो ये बहुत हैरत की बात है। फिर भी आप लोग अगर एग्जाम अभी तक नहीं दिए होंगे तो जरूर देना, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर किए जा रहे हैं और ज्यादा स्टूडेंट का मार्क्स अच्छा ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सब था इस अपडेट में। मैं आप लोग को थर्ड अपडेट के बारे में जो भी जानकारी थी उसके बारे में मैंने बताया आप लोग को। इसके बाद फ्राइडे से पहले एक और अपडेट आएगा, तो उसमें भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और अभी तो 16 अक्टूबर तक आप लोग का एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला है, और जिस तरीके से जितना फास्ट अगर रिजल्ट अपडेट हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 25 अक्टूबर तक सभी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वेट करो, एग्जाम जब भी देके आ रहे हो उसके 4-5 दिन के बाद आप लोग चेक करना, हो सके तो आपका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, यू नेवर नो। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have an awesome day. Thank you so much.